हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हो? आप सभी का वेलकम करती हूँ सारे अपने यूट्यूब फैमिली की। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। और मैं इस समय मॉर्निंग में मेरा ब्लॉग नहीं जा मेरा कोई भी मतलब जा नहीं पा रहा वीडियो, और मैं शाम को ही रिकॉर्ड करती हूँ। और जो है, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मेरा छोटा छोटा सा वीडियो आप सबको मिलता है, आप सबको नहीं मिल पाएगा। और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आता है। और आज मैं जो है आप सबको अपनी रूटीन में दिखाऊंगी। मैंने बथुआ जो है, जो साग होता है, चाहे साग बनाऊंगी चाहे उसकी दाल बनाऊंगी, उसको आप सबको दिखाऊंगी, थोड़ा ही बहुत दिखाऊंगी। और आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगी और जिससे आप सब पूरा अच्छे से देख पाओ। और चलो स्टार्ट करती हूँ, आप सबको रूटीन दिखाती हूँ। ऐसे देखते रहिए, देखो मैं कैसे कट कर रही हूँ, आपसे देख लो। थोड़ा ही ली पाई हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। मेरा साग कट गया, इतना सारा रेडी हो गया है और बाकी है। आप सब देख सकते हैं मैं अपने साग को कट कर रही हूँ। ये बथुआ इसको कहा जाता है, इसको दिखाओ बेटा। ये देखो, दूर से देखिए, आप बथुआ को कट कर रही हूँ। और आज चाहे इसकी दाल बनाऊंगी चाहे साग बनाऊंगी, कुछ ना कुछ इसको आज बनाऊंगी। और सब देखते रहो, मैं साग की कटिंग करने जा रही हूँ, सबको दिखाती हूँ। इतना कट करके मैंने रख लिया है, इतना कटा हुआ है और काट के रखना है हमको। और मैं साफ कर रही हूँ इसको, एक एक करके साफ करना होता। ये देखो मेरा साग कट के रेडी हो चुका है। फिर देखते रहो, आपको पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मेरा छोटा छोटा सा वीडियो जाता हुआ आप सबको नहीं मिल पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आप सब देखिए, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, इसमें बथुआ है और बद की दाल है, थोड़ी सी चने की भी दाल मैंने डाली है और नमक है, हींग है। और बस इतना करके आपको सीटी लगा देना होता है। रुक जाओ, मैं दिखा को दाल दिखाती हूँ अंदर में ही। ये देखो अंदर दाल है ना, नीचे बथुआ है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। चलो बंद कर देती हूँ, चढ़ा देती हूँ। देखो ये मैंने इसको के लिए रखा है। और ये आलू मटर है और ये साग है मेरा, इसको मैं बनाऊँगी अभी। और इसका थोड़ा सा सब मिक्स वेज करके बना दूंगी, सख साग बना दूंगी और मिक्स वेज सब्जी भी हो जाएगी ना। चलो फ्राई करूँगी, आप देखते रहो। और थोड़ा सा ही एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और आप मन कर सकते हैं मसाला भी बहुत डाल सकते हैं, लेकिन मसाला नहीं डाली है। और मैं इसे सादा ही बनाऊँगी और बन जाता है तो आप सबको दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। इसको रखा लगा देते हैं और इसमें नमक भी डाल देना है, गरम गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं।
चलो मेरी दाल भी गर्म रही है, चाय चढ़ा देती हूँ। ये देखिए मेरी सारी सब्जी उनकी रेडी हो चुकी है। कैसा लगा आप सबको? बहुत मैंने कई मसाले सब में डाला, फोड़न मीठे से मैंने फ्राई किया हुआ है। आई होप आपको पसंद आए, देखते रहो इंजॉय करते रहो। मिक्सर बताइए ना आपको, मिक्स वेज हो गया है। अगर मेरी दाल रेडी हो चुकी है, ऐसा आ जाओ बेटा खा लो। ये देखो गर्मा गर्म दाल फ्राई रेडी हो चुकी है। ये देखो कैसी लगी है सबको, कमेंट करना। तो पक रही है थोड़ी थोड़ी सी, ये देखो गर्मा गर्म रेडी हो गया राइस। रोटी बाद में बनेगी। बाय बाय।